हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। स्वागत है आप लोगों का एडू मेंशन में। अब फटाफट से बच्चे बहुत डिमांड कर रहे थे मेरे से कि एडमिट कार्ड में जो भी डिटेल्स दिए हैं वो उनको मैं समझा दूं, और पूरा डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है, एग्जाम में कैसे पहुंचना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या नहीं पहनने हैं, क्या मोबाइल घड़ी वड़ी क्या अलाउड है या नहीं अलाउड है एग्जामिनेशन सेंटर में, एडमिट कार्ड में क्या 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 सारे पेज लेके जाने हैं या सिर्फ पहला पेज लेके जाना है, सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। और कुछ शहर में लॉकडाउन भी हो रहा है तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि लॉकडाउन होने के बाद कैसे बच्चा एग्जाम देने जा पाएगा। ये एडमिट कार्ड का एक डेमो है, एक बच्चे का ये एडमिट कार्ड है। आप लोगों का एडमिट कार्ड भी कुछ ऐसा ही दिखता होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूं कि रोल नंबर, कैंडिडेट्स नेम, जेंडर, कैटेगरी, एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके नीचे आप जाइएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर लिखा हुआ है, जिसमें ये वाले में यहाँ पर सिग्नेचर आपने जो अपलोड किया था वो लिखा हुआ है। तो इस वाले पार्ट में तो कुछ चेंज करना ही नहीं, ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद नीचे जाने पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कुछ टाइमिंग वगैरह दे रखी है। जैसे क्वेश्चन पेपर का मीडियम इस बच्चे के में लिखा हुआ इंग्लिश, पर आपने अपने हिसाब से जब फॉर्म भरा होगा तो उसमें मीडियम आपने डाला होगा, हो सकता है हिंदी डाला हो सकता है इंग्लिश डाला हो सकता है मराठी डाला हो सकता है तमिल डाला हो, जिस भी लैंग्वेज में आपने डाला है एग्जाम देने के लिए वो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन पेपर मीडियम, तो क्वेश्चन पेपर आपको उसी लैंग्वेज में दिया जाएगा। फिर है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपको पता है कि संडे को एग्जाम है, 9 तारीख को, 9 जनवरी को एग्जाम है, यानी कि संडे को एग्जाम है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों आप लोगों को एग्जाम के लिए। फिर अब देखो यहाँ पर ना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बता दूं आपको, 1:10 PM इससे लेकर 1:30 PM के बीच में आप लोग लास्ट मोमेंट पे पहुंच जाइए। मैं तो बोलूंगा आप लोग एटलीस्ट 12 बजे ही, 12:30 बजे ही पहुंच जाइए वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर में, क्योंकि 1:30 के बाद से आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। 1 मिनट भी अगर आप लेट पहुंचे 1:30 PM से तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। तो आप एक काम करिए, 1-1.5 घंटे पहले ही आ जाइए, 12:30 बजे आ जाइए, ताकि आपको अंदर घुसने दे दिया जाए। ठीक है, एंट्री का टाइमिंग वैसे बोला गया है 1:10 PM, तो 1:10 से लेकर 1:30 के बीच में आप लोगों को घुसने दिया जाएगा ऐसा बोला गया है। लेकिन ऑल दो बहुत सारे सेंटर्स में ऐसा होता है कि आप जितना जल्दी जाएंगे आपको अंदर घुसने दे दिया जाता है, तो 1 बजे से ही शायद शुरू कर देंगे अंदर घुसने के लिए, और 1:30 पे एंड मोमेंट है, उसके बाद आप नहीं घुस सकते क्योंकि 2 बजे से आपका एग्जाम है। 2 से लेकर 4:30 तक आपका एग्जाम चलेगा, तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से 4:30 यानी कि 2.5 घंटे का टाइमिंग आपको मिला जाएगा। सारे सब्जेक्ट उसमें करने हैं, मैथ्स करना है, इंटेलिजेंट टेस्ट करना है, लैंग्वेज करना है, आपको जीके करना है, जीएस करना है, सारे सब्जेक्ट आपको इस 2.5 आवर्स में कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद टेस्ट का ये जो सेंटर नंबर दे रखा है, टेस्ट सेंटर नंबर, ये सेंटर नंबर आप लोगों को ओएमआर में फिल करना है। ओएमआर शीट जो आपको मिलेगी उसमें आपको फिल करना पड़ेगा सेंटर नंबर, ये जो गिवन है इसी में से देख के। ठीक है, और ये सेंटर नंबर के बाद में उस सेंटर का नाम लिखा हुआ है जिस भी जगह पे आपको जाना है। कृपया करके इस सेंटर में आप 1 दिन पहले यानी कि 8 जनवरी को आप यहां पर जाएं, पहले से एक बार घूम के देख लें, चेक कर लें, बिल्डिंग आपको अलाउ कर दिया जाएगा घुसने के लिए, चेक करने के लिए। और उसके बाद ऐसा ना हो कि आप एग्जाम के दिन ढूंढ रहे हैं सेंटर और लेट हो गया एग्जाम पहुंचने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नीचे देखते हैं कि अब नीचे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं। ये डेक्लेरेशन है जो आप लोगों को फिलअप करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पहला पॉइंट में तो लिख रखा है कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं, आपका अपना नाम लिखा हुआ है और आप बोल रहे हैं कि मैं आगे जो भी बोलने वाला हूँ या टिक करने वाला हूँ वो सही है, सच है। सेकेंड पॉइंट में आप देखिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव इन द लास्ट 14 डेज, और नीचे आपको टिक करना है, मतलब पिछले 14 दिनों में इनमें से कुछ है क्या आपको ये बताना है। अगर फीवर है तो फीवर वाले में टिक करिए, अगर कफ है तो कफ वाले में टिक करिए, अगर ब्रेथलेसनेस है यानी कि सांस फूल रहा है तो उसमें टिक करिए, अगर गला खराब है तो इसमें टिक करिए, अगर शरीर में दर्द है इसमें टिक करिए, या कोई भी बीमारी महसूस हो रही है, कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो एक भी टिक करने का जरूरत नहीं, कुछ भी ब्लैंक छोड़ दीजिएगा इसको। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है बिन इन क्लोज विद कंफर्म्ड केस ऑफ दी कोविड-19, तो आपको बताना है कि पिछले 14 दिन में क्या आप किसी ऐसे बंदे के, किसी ऐसे इंसान के कॉन्टेक्ट में थे जिसका पॉजिटिव निकला है कोरोना, अगर यस या नो का आंसर है, यानी कि अगर सच है यस, अगर आप थे कॉन्टेक्ट में तो यहाँ पर राइट टिक कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको राइट टिक करने की जरूरत नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं यानी कि सी पे आते हैं, नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटीन, तो आपको, आप अगर क्वारंटीन में आपका घर नहीं है या आपको क्वारंटीन नहीं किया गया है तो यहाँ पर आपको बताना है, अगर आपको क्वारंटीन नहीं किया गया है तो आपको यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, यहाँ पर राइट टिक कर दीजिएगा कि हाँ भैया मैं ठीक हूँ, मेरे को अभी तक डॉक्टर ने ऐसा नहीं बोला है कि आपको कोरोना हो सकता है। लास्ट डी है ट्रेवल द फॉलोइंग सिटीज कंट्री इन द लास्ट 14 डेज प्रायर टू अराइविंग एट द सिटी, इसमें आपको यह बताना है कि आप किसी देश में गए हैं दूसरे या किसी दूसरे शहर में गए हैं, कौन कौन से शहर में गए हैं उनके नाम लिखने हैं पिछले 14 डेज में, और अगर आप कहीं भी नहीं गए हैं तो ब्लैंक छोड़ देना है आपको। ठीक है, और अगर गए हैं जैसे मान लो कि आप फर्स्ट फर्स्ट सिटी मान लो आप दिल्ली गए थे, आप अभी मुंबई में रहते हो और आप दिल्ली गए थे फर्स्ट सिटी में, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, दिल्ली, क्या लिखना पड़ेगा, दिल्ली, ये ज्यादा मोटा हो गया, इसको पतला किया जाए, पतला, दिल्ली। ठीक है, तो पहला आपने सिटी का नाम दिल्ली लिखा, फिर डेट भी लिखना है, डेट ऑफ अराइवल इन द सेंटर सिटी, मतलब आप मुंबई में अगर एग्जाम देने वाले हैं पर आप दिल्ली गए थे
तो दिल्ली से आने के बाद आप कब आए हैं हमारे मुंबई में, तो वो डेट आप डाल दीजिएगा यहाँ पर जिस भी डेट को आएंगे। अगर आप किसी दूसरे शहर में नहीं गए हैं तो डरने की बात नहीं है, इसको भरना ही नहीं है, इसको खाली छोड़ देना है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, पूरा अंत तक देखना क्योंकि इसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज हो सकता है आपका प्रिपरेशन अच्छा हुआ हो पर अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी गलत हुआ या कुछ मिसिंग हो गया। तो थर्ड में देखो, थर्ड थर्ड फोर्थ ये सब जो पॉइंट्स हैं इन सब पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं खास, मैं समझा दूंगा। बस इसमें बोल रहे हैं कि आपको अभी पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 2 को पढ़ना है। ठीक है, तो ये पेज नंबर 1 की बातें चल रही है। आपको एडमिट एज अ एडमिट कार्ड सिर्फ ये पेज नंबर 1 ही लेके जाना है, बाकी नीचे के जो पेजेस हैं पेज 2, 3, 4, 5, 6, 7 बाकी को नहीं लेके जाना है। सिर्फ पेज नंबर 1 जिसमें आपका फोटो दिया हुआ है, जिसमें आपका फोटो दिया हुआ है ये लेके जाना है आपको, बस ये पेज। अब इस पेज में कुछ चीजें आपको भरनी पड़ेंगी, घर से भर के ले जाना है। क्या क्या भर के ले जाना है बता देता हूँ। यहाँ पर ये डब्बे दिख रहे हैं बड़े बड़े, ध्यान से देखना। इस वाले एरिया में आपको अपना फोटो चिपकाना है। कौन सा फोटो चिपकाना है? जो ऊपर में ये फोटो आपने ऑलरेडी भर रखा था, तो दिस फोटो जिसको आपने जमा किया था एप्लीकेशन फॉर्म में, इसी को आपको कहां पर चिपकाना है? इस जगह पर, यहां पर। ठीक है, और उसके बाद ये जो सेकंड वाला डब्बा दिख रहा है आपको यहां पर, इसमें आपको अपने लेफ्ट हैंड का, किसका? लेफ्ट, बाया हाथ, लेफ्ट हैंड का थंब का प्रिंट मारना है यहां पर, इस एरिया में। ठीक है, ये प्रिंट कैसे करोगे? आपको पता है ना वो आता है इंक वाला डब्बा जिसमें से ऐसे अंगूठा लगाते हैं, वो आप पेरेंट्स से आप पूछ लोगे तो पापा मम्मी बता देंगे कैसे लगाना है अंगूठा। उसके बाद यहाँ पर मम्मी पापा में से किसी एक का सिग्नेचर करा लेना है, पेरेंट सिग्नेचर में, और फिर यहाँ पर आपको खुद का सिग्नेचर करना है। लेकिन ये कब करना है? ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। यानी कि वो लास्ट डब्बा, ये बीच वाला डब्बा और ये पेरेंट सिग्नेचर आप घर से करवा के जाओगे, लेकिन ये सबसे नीचे वाला आप कहाँ भरोगे? जब एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में जो इन्विजिलेटर होगा, जो एग्जामिनेटर में जो टीचर होगा जो आपको चेक कर रहा होगा, वो इन्विजिलेटर आपको बोलेगा यहाँ पर साइन करो, उसके सामने आप साइन करोगे। आगे बढ़ते हैं। वो एडमिट कार्ड का आपको समझ आ गया, पहला पेज इज कॉल्ड द एडमिट कार्ड। ये नीचे वाले एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं आपको, वो इकलौता पेज लेके जाना है। आपकी इच्छा होगी तो ये भी भर के ले जाओगे तो ले जाना, कोई खास फायदा नहीं है, इसको मत ले जाओ मेरे ओपिनियन में। ठीक है, यहाँ पर देखो एक चीज लिखा हुआ है, दिस एडमिट कार्ड कैन बी यूज बाय द कैंडिडेट एज कर्फ्यू पास इन केस ऑफ नीड फॉर मूवमेंट फॉर अपियरिंग इन एग्जामिनेशन। तो सवाल ये था बच्चों का कि लॉकडाउन लग गया है कई जगहों पे, जैसे दिल्ली वगैरह में या उड़ीसा में, तो लॉकडाउन अगर लगता है, कर्फ्यू लगता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? आपको ये एडमिट कार्ड लेके जाना है ताकि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर जा रहे हो और बीच में अगर आपको पुलिस रोक ले तो आप एडमिट कार्ड दिखा सकते हो, और ये जो लिखा हुआ है इसको भी दिखा सकते हो कि देखिए सर इसमें लिखा हुआ है कि आज एग्जाम है और हमें एग्जाम देने जाना है, या फिर आप डेट दिखा देना एग्जाम का, ये यहाँ पर डेट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखो डेट लिखा हुआ है 9 जनवरी वाला, वो वाला डेट दिखाना है और बोलना है कि सर हमारा एग्जाम है और हमें जाने दीजिए, और वो जाने देंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से ही आया है। अब मैं कुछ इसके इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, अदरवाइज एग्जाम में वहां पर गड़बड़ मत हो जाए। ऊपर के जो दो चार पॉइंट्स लिखे हुए हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप खुद से पढ़ के समझ सकते हो, मैं मेन मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहला है पॉइंट नंबर 8 है, जिसमें आपको बोला गया है कि कैंडिडेट्स में वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन वेन्यू अ डे इन एडवांस। यानी कि जो मैं पहले से बोल रहा था कि 9 तारीख को एग्जाम है, यानी कि 8 तारीख को आपको क्या करना है, आपको जाना है वहां पर। आप चाहें तो, आपकी इच्छा है, अगर आप चाहें तो आप जाइए वहां पर सेंटर में और एक बार सेंटर घूम घाम के चेक करके आ जाइए कि सेंटर कैसा है, कितना दूर है, कहाँ से कहाँ जाना है, कितना टाइम लगता है आपके होटल या आपके घर से वहां तक जाने में। उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 9, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, सॉरी पॉइंट नंबर 10, जिसमें मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी कि 1:30 से पहले, 1:30 PM से पहले आपको कहाँ पर पहुंचना है? सेंटर में घुस जाना है, अदरवाइज 1:30 के बाद आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। आप कितना भी रो लीजिए गा लीजिए, आपको नहीं घुसने दिया जाएगा। अगला सबसे इंपॉर्टेंट आता है 12th पॉइंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बता रखा है कि आपको क्या क्या कैरी करके ले जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में। देख लेते हैं, पहला तो आपको यार एक बॉल पॉइंट लेके जा बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। बॉल पॉइंट पेन मतलब क्या? जेल वाला नहीं, जेल वाला अलग होता है, बॉल वाला अलग होता है। तो बॉल पेन क्या होता है? वो जो सूखा जिसमें चलता है, जेल के अपोजिट वाला। तो नॉन जेल वाला पेन यानी कि बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, या तो आप ब्लू कलर का ले जाइए या तो ब्लैक कलर का। मेरे अपने ओपिनियन में मैं बोलूंगा कि ब्लैक कलर का ले जाओ, ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि ओएमआर शीट में ब्लैक कलर से भरने पे ज्यादा चांसेस है कि सही से पेपर चेक होगा। तो आप ब्लैक पेन एक रख लो, ब्लैक पेन लेके जाओ। दूसरा क्या ले जाना है आपको? एडमिट कार्ड ले जाना है, जो पहला पेज था मैंने अभी ऑलरेडी आपको दिखा रखा है, और उसमें जो भी साइन वाइन कराना था, फोटो चिपकाना था, वो सब करके जाना है घर से। खाली अपना खुद का साइन वहां नहीं करना है, वो आप कहाँ करोगे? एग्जामिनेशन सेंटर में। तीसरा है पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोटल। तो अगर आप पानी पीने के लिए आप बॉटल अपना खुद का ले जा सकते हो, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि आप जैसे ये फॉर एग्जांपल ये बॉटल आप नहीं ले जा सकते क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, अंदर क्या है दिखता नहीं है। आपको वो बॉटल ले जाना पड़ेगा जिसमें अंदर में साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ पानी है और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद पर्सनल हैंड सैनिटाइजर लेके जाना है आपको, खुद का अपना सैनिटाइजर एक लेके जाना है छोटा सा 50 ml का, अगर आप ले जा सको तो। ऑल दो वहां पर सैनिटाइजर प्रोवाइड किया जाएगा बार बार, बट आप कोशिश करो अपने से लेके जाओ। फिर मास्क और ग्लव्स लेके जाना है, तो मास्क खरीद लीजिए, कल ही खरीद लीजिएगा या आज ही खरीद लेना जब भी टाइम मिले। मास्क और ग्लव्स दोनों पहन के जाना है वहां पर। और लास्ट है ओरिजिनल एंड वैलिड आईडी प्रूफ, यानी कि
आपको आईडी प्रूफ लेके जाना है जो आपको रिप्रेजेंट करे कि हाँ मैं ही वो इंसान हूँ जो एग्जाम देने आया हूँ। इस आईडी प्रूफ में बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, मेरे ओपिनियन में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा या तो आप आधार कार्ड लेके जाएं या तो फिर आप स्कूल का आईडी कार्ड लेके जाएं, क्योंकि उसके अलावा बाकी चीजें शायद नहीं होंगी आपके पास। जिसमें बोला पैन कार्ड आपके पास नहीं होगा, स्कूल आईडी कार्ड होगा, स्कूल आईडी कार्ड लेके जाइए, पासपोर्ट शायद ही हो आपके पास, आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड लेके जाइए, ई आधार भी ले जा सकते हैं, राशन कार्ड ले जा सकते हैं, आधार एनरोलमेंट विद फोटो ले जा सकते हैं। तो ये सारे डेटा बहुत सारी चीजें हैं जो ले जा सकते हैं, इसमें लिख रखा है। बट मेरे ओपिनियन में आप या तो आधार कार्ड लेके जाइए अगर है तो, और आधार कार्ड नहीं बना है तो आप स्कूल का आईडी कार्ड लेके जाइए, ऐसा स्कूल का आईडी कार्ड जिसमें आपका फोटो होना चाहिए, बिना फोटो के आपको नहीं घुसने दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, 13th वाला छोड़ देते हैं, 13th आप पढ़ लीजिएगा खुद से। मैं आ रहा हूँ पॉइंट नंबर 14 पे। 14 कह रहा है कि नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग, नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग। आप अपने कुछ भी पर्सनल बिलोंगिंग वहां लेके कृपया ना जाए। ऑफकोर्स आप तो अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे, आप सारे बच्चे हैं तो मैं उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप अकेले जा रहे हैं तो वहां पर आपके सामान की जिम्मेदारी किसी और की नहीं होगी। अगर मान लो आप गए पर्सनली, आप फोन लेके गए हो, फोन एग्जाम के सेंटर के बाहर रखवाना पड़ेगा, रखने की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बोला भैया अपना पर्सनल सामान आप अपना घर पे छोड़ के आओ, या तो पेरेंट्स के साथ आ रहे हो तो पेरेंट्स को दे दो। फिर उसके बाद 15 में कह रहे हैं कि आप क्या क्या नहीं ले जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। ठीक है, क्या क्या नहीं ले जा सकते हैं सुन लो ध्यान से। मोबाइल फोन नहीं ले जाना है, एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइस इंक्लूडिंग ब्लूटूथ एक्सेट्रा। ब्लूटूथ मतलब वो जो कान पे लगाते हैं ना ब्लूटूथ, वो नहीं ले जा सकते हैं आप। ईयरफोन वगैरह नहीं ले जा सकते हैं, मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, डिजिटल वॉच जो होता है जिसमें आप मोबाइल चला सकते हैं या व्हाट्सएप खोल सकते हैं या कुछ भी, डिजिटली डिजिटल वाला नहीं ले जा सकते आप। ठीक है, फिर टेक्सुअल और स्टेशनरी मटेरियल सच एज अ बुक, पेपर, फॉर्मूला, लॉग टेबल, व्हाइटनर, स्लाइड रूल, एक्सेप्ट ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। यानी कि आप क्या क्या नहीं ले जा सकते हैं, आप स्टेशनरी में बुक्स नहीं ले जा सकते, ऑफ कोर्स बुक्स लेके क्या जाओगे, पेज खुद के पेपर नहीं ले जा सकते हो आप बॉल पेन के अलावा, ब्लैक कलर का मेरे ओपिनियन में आपकी इच्छा ब्लू या ब्लैक ले जाओ, सिर्फ एक बॉल पेन के अलावा आप कुछ भी नहीं ले जा सकते सेंटर में। अपने कपड़े पहने हैं आपने, अपने चप्पल जूते पहन रखे हैं, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। उसके बाद आप और क्या नहीं ले जा सकते, पर्सनल आइटम सच एज वॉलेट, अपना पर्स नहीं ले जा सकते अंदर, कैप नहीं ले जा सकते, टोपी पहन के मत जाइएगा, टोपी या फिर ठंडी वाला टोपी भी कई बच्चे पहनते हैं ना, ठंडी वाला भी आप टोपी मत पहनिएगा। वैसे भी 2 से बज के 4:30 यानी कि 2 से 4:30 तक के बीच में मेरे को नहीं लगता ठंडी लगेगी, तो कैप भी अलाउड नहीं है, जैकेट भी अलाउड नहीं है, आप जैकेट नहीं पहन सकते हैं। ऑल्दो किसी को बहुत ठंड लग रही है तो आप ऐसा स्वेटर पहन के जाओ जिसमें पॉकेट ना हो, जिसमें जेब ना हो। ऑल्दो जैकेट वगैरह तो मत ही पहन के जाना वरना वो लोग बाहर ही निकलवा देंगे, डोंट वरी, आप पहन के जाओगे तो वो पहले अंदर से रोक देंगे, बोलेंगे कि आप जैकेट खोल के आइए। उसके बाद आप फूड नहीं ले जा सकते हो, ड्रिंक्स नहीं ले जा सकते हो, ड्रिंक्स में खाली वाटर ले जा सकते हो जो मैंने बताया, वाटर का बॉटल वो भी ट्रांसपेरेंट वाला, और बाकी कोई भी पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा नहीं ले जा सकते हो, राउंडर वाउंडर कुछ नहीं ले जा सकते, कंपास बॉक्स कुछ नहीं ले जा सकते हो, सिर्फ पेन। उसके बाद इसके बाद 16 नंबर पे बोल रहा है कि ऑक्यूपाई ओनली द सीट्स अलॉटेड टू देम। अभी जैसे देखो क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, आप सेंटर पे घुसोगे, सेंटर पे घुसते ही क्या होने वाला है, सेंटर पे आपको एक पूरा लिस्ट बहुत सारा लगा होगा जिसमें रोल नंबर्स लिखे होंगे, आपको उस लिस्ट में अपना रोल नंबर ढूंढना है और उस रोल नंबर के जस्ट बगल में आपका क्लासरूम नंबर दिया होगा। आप खुद सोचो, आप किसी सेंटर में गए एग्जाम के, वो एक स्कूल, जनरली क्या होता है जो स्कूल्स होते हैं ना जो भी बंद हो रखे होंगे उस, और संडे को छुट्टी रहता है तो स्कूल्स को ही एग्जाम सेंटर बना देते हैं, और स्कूल्स में कितने सारे क्लासेस होते हैं तो आपको कौन सा क्लास मिला कैसे पता चलेगा, आप सेंटर के अंदर जाओगे आपको वो लिस्ट पूरा दिखेगा जिसमें रोल नंबर रहेगा, रोल नंबर के बगल में आपका क्लासरूम नंबर रहेगा, तो अपना रोल नंबर ढूंढना, रोल नंबर ऑलरेडी आपको एडमिट कार्ड में लिख रखा है ऊपर में, मैं दिखा चुका हूँ, रोल नंबर के बगल में आप क्या देखोगे, अपना क्लासरूम नंबर, और उस क्लास में जाके आपको बैठना है अपने सीट में। तो क्लासरूम नंबर जब क्लास में पहुंचोगे ना, क्लास में फिर एक चिपका रहेगा पेज जिसमें बताएगा कि आपके रोल नंबर के नाम में कौन सा सीट नंबर है आपका। अब क्लास के अंदर पहुंच तो गए पर उसमें भी तो बहुत सारा बेंच होता है ना, कौन से बेंच बैठना है वो भी आपके लिए फिक्स है। फिर आगे बढ़ते हैं, द क्वेश्चन बुकलेट विल सप्लाइड 10 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी कि एग्जाम शुरू होने का टाइम है 2 बजे, लेकिन आपको 2 बजे से 10 मिनट पहले यानी कि 1:50 10 मिनट पहले 2 बजे से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर देखने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और आप लोगों को ओएमआर की शीट भी दे दी जाएगी ताकि आप अपना फटाफट भर ले नाम वगैरह, उसमें टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन आप क्वेश्चन बुकलेट को मत खोलिएगा जब तक एग्जामिनर नहीं बोलता है। 2 बजे से पहले अगर आपने क्वेश्चन बुकलेट खोल दिया जल्दी में कि यार क्वेश्चन पेपर तो मिल ही गया, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, उसमें आपको एग्जामिनेशन से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो एग्जामिनर बोलेगा तभी आपको अपना बुकलेट खोलना है। उसके बाद जब बुकलेट देखेंगे आप, तो बुकलेट में देखना देयर विल बी 4 सेट्स। सेट का नाम क्या होगा, डी ई एफ एंड जी। अब सेट का मतलब समझा देता हूँ, एग्जामिनेशन में चीटिंग ना हो पाए आगे पीछे तो 4 अलग अलग सेट के क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन पेपर सेम होता है, सेम क्वेश्चंस ही आते हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि हो सकता है कि सेट डी में क्वेश्चन नंबर 1 जो आया है वो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 हो, किसमें, क्वेश्चन नंबर दूसरे वाले सेट में, तो क्वेश्चन या तो अदल बदल कर देते हैं या फिर क्या कर देते हैं, ऑप्शन अदल बदल कर देते हैं। ऑप्शन अदल बदल यानी का मतलब हो सकता है कि एक क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन ए है 6 और ऑप्शन बी है 7,
तो हो सकता है कि दूसरे सेट में ऑप्शन ए में 7 कर दे और ऑप्शन बी में 6 कर दे। तो ये चेंजेस आते हैं अलग अलग सेट में, चार अलग अलग सेट होंगे, नाम होगा डी ई एफ एंड जी। आपको ओएमआर सीट में एक जगह मिलेगा जिसमें आपको गोला भरना रहेगा अपने सेट के लिए, मैं दिखा दूंगा ओएमआर सीट बाद में। आप ओएमआर सीट में भरोगे तो आपको अपना सेट भी भरना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर का। आगे बढ़ने के बाद वी विल रियलाइज कि आपको एक और चीज देखना है कि क्वेश्चन बुकलेट में कवर पेज में जो फर्स्ट पेज है उसमें लिखा रहेगा कि कितने पेज हैं बुकलेट में। तो बुकलेट जब आपको खोलने के लिए बोला जाएगा, आपको बुकलेट खोलना है और जल्दी जल्दी पेज काउंट करने हैं कि उतना पेज है कि नहीं जितना ऊपर में लिखा हुआ था, ताकि अगर बाई चांस आपके क्वेश्चन बुकलेट में एक आध पेज मिसिंग है तो आप फटाक से एग्जामिनर को बता सकते हो कि सर इसमें ये पेज मिसिंग है, क्वेश्चन मिसिंग है, आप इसको सही कर दीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन ए जो है आपका पेपर का, दैट इज यूनिक टू ईच लैंग्वेज, वो लैंग्वेज वाला पेपर है। उसमें अगर आपने इंग्लिश मीडियम डाल रखा है अपना मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन तो आपका इंग्लिश रहेगा, अदरवाइज वो अपने लैंग्वेज पे रहेगा, उसका ट्रांसलेशन नहीं दिया जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इट हैज टू बी आंसर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द लैंग्वेज ऑप्टेड बाय देम इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑन देयर एडमिट कार्ड, हेंस कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चेक एंड इंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर रिसीव्ड बाय देम इज इन द लैंग्वेज ऑप्टेड बाय देम इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड इन देयर एडमिट कार्ड। कहने का मतलब बुकलेट आप खोलोगे और बुकलेट में आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश ऑप्ट किया है तो आपके जो मैथ्स वगैरह के क्वेश्चंस होंगे, जीके के क्वेश्चंस होंगे, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे। अगर आपको हिंदी, मराठी या किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो क्वेश्चंस, तो आपको तुरंत एग्जामिनर को बताना है कि सर मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए ऑप्ट किया था और मुझे ये हिंदी वगैरह का या मराठी या किसी और लैंग्वेज का पेपर मिल गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स में आते हैं यहाँ पर 25th नंबर पे। अभी 24 कर चुके हैं अपन, 23 24 आप खुद से रीड कर लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पे फोकस कर रहा हूँ जिसका इंपॉर्टेंस है। तो इसमें 26th वाला काफी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 26। इसमें बताया गया है कि आपको ओएमआर में गोला कैसे भरना है। आंसर में, आंसर हर क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए जाएंगे, चार ऑप्शन में आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ओएमआर आप भरिएगा अपने ब्लैक या ब्लू पेन से, जो पेन आप लेके गए हैं, कैसे भरना है ये करेक्ट मेथड है। ठीक है, जैसे मान लो कि चार ऑप्शन में चौथा आंसर, माने कि फोर, आंसर नंबर फोर वॉज द करेक्ट आंसर, तो आपने क्या किया, फोर वाले में गोला लगा दिया। ठीक है, क्या क्या गलत है मेथड देख लो ध्यान से। पहला, दो आंसर्स पे प्लीज गोला मत लगाना, ए और डी या ए और बी, ऐसा करके चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन पे गोला लगा सकते हो। दो पे लगाएंगे तो वो क्वेश्चन ही गलत कर दिया जाएगा, जीरो नंबर मिलेंगे। या फिर आपने एक में गोला लगा दिया, एक में कट कर दिया, वो भी पॉसिबल नहीं है। या तो आपने एक में क्रॉस मारा है या तो टिक मारा है। टिक नहीं मारना है, गोला भरना है ऐसे डार्क, ठीक है, जैसे इसमें भर रखा है। और अगर इसमें आपने जैसे ये देखो, ये वाला गलती बच्चे करते हैं, लास्ट वाला आंसर तो एक ही मारा ऑप्शन, अच्छी बात है, लेकिन उसको ढंग से गोले को भरा नहीं, गोला पूरा काला काला भरना चाहिए अच्छे से। ऐसा नहीं हो कि ये गोला है और आपने ऐसे ऐसे बस भर दिया थोड़ा सा। अगर इतना बड़ा गोला है तो पूरा भरना है आपको गोला, ऐसे पूरा काला काला, ठीक है। इसके बाद ही वो जो पेपर जब चेक होगा तो उसको कंसिडर किया जाएगा ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं, सवाल ऑप्शन नंबर 27, सवाल कह रहा हूँ आप लोगों को पढ़ा पढ़ा कितना मुंह से सिर्फ वही निकल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 7, ऐसा कोई नहीं। ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 27, देयर वुड बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अ रॉन्ग रिस्पॉन्स, यानी कि आपने अगर गलत आंसर दिया है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कहने का मतलब बेटा एक भी क्वेश्चन मत छोड़ के आना, पूरे 125 के 125 क्वेश्चन आप करेक्ट करके आओ, गलत हो सही हो। पहले तो जो आते हैं वो तो करना ही है, जो नहीं आते हैं उसको भी तुक्का मारना है, गैस करना है, एबीसीडी जो मन करे। और मैंने तुमको बताया था ना कि अगर कुछ नहीं दिमाग में आ रहा गैस करने के लिए तो क्या मार के आओ, सी। ज्यादातर आंसर जनरली क्या रहता है, सी रहता है, सी या फिर ए। बी डी तो मारना ही मत, बहुत कम बार ऐसा होता है कि बी या डी है, तो सी मारो जनरली, ठीक है। उसके बाद मतलब नो नेगेटिव मार्किंग। फिर आगे बढ़ते हैं 29 पे, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। कहने का मतलब एग्जाम खत्म होने से पहले आपको बीच में नहीं छोड़ने दिया जाएगा, यानी कि 4:30 से पहले आप बैठे हो तो बैठो, हो सकता है आपका पेपर कंप्लीट हो गया हो सकता है आपको अब मन नहीं है या फिर आपके पेट में दर्द है, व्हाटएवर, आप बाहर नहीं जा सकते अंटिल एंड अनलेस एकदम मेडिकल इमरजेंसी में आ जाए। फॉर एग्जांपल पता चला कोई आदमी बेहोश हो गया बच्चा, या कोई उल्टी उल्टी कर दिया, तो उसको मेडिकल हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटल भेजा जाएगा, अलग बात है। अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन सेंटर। 31st क्वेश्चन, 31st पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर द ओएमआर शीट एंड एडमिट कार्ड, ओनली द टॉप शीट कंटेनिंग द पर्सनल टेस्ट बुकलेट्स टेस्ट डिटेल्स एज वेल एज द सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग एंड सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट कैंडिडेट टू द इन्विजिलेटर एंड टेक अवे ओनली द टेस्ट बुकलेट विद देम। इतना लंबा सा ये जो लिखा हुआ था, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। आप जब एग्जाम खत्म करोगे 4:30 पे, आपको दो चीजें जमा करनी है। पहला तो आपका ओएमआर शीट जिसमें आपने गोले लगा रखे हैं, एबीसीडी जो आंसर मारा है, क्योंकि उसी से तो भैया आपको नंबर चेक होकर मिलेंगे। और दूसरा आपको अपना एडमिट कार्ड भी जमा करना है। और एडमिट कार्ड कौन सा, ये जो पूरा पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ में फर्स्ट पेज जो है जिसमें आपकी फोटो है वो आपको जमा करनी है और वही लेके ही जाना है। तो वो आप जमा करोगे और क्या जमा करोगे, ओएमआर शीट। तो आप घर लाके क्या ला सकते हो, क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर आप अपने घर ले जा सकते हो। और इनफैक्ट मैं तो कोशिश करूंगा कि घर पे आओ, क्वेश्चन पेपर लेके आओ। हम लोग 9 तारीख को ही कोशिश करेंगे लाइव जाने का शाम को, और लाइव जाके हम सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करके आपको पूरा का पूरा आंसर संडे के संडे ही आपको रात होने से पहले बता देंगे, ताकि आप अपने नंबर काउंट कर सको, कितने क्वेश्चन सही किए नहीं किए हैं। मैं और सौरभ सर आपको एक्सप्लेन कर देंगे लाइव आके, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बाकी इसमें कुछ भी और इंपॉर्टेंट नहीं है। और नीचे में सेम डेटा जो है वो
देखते हैं इसके बाद। हाँ बस ये लास्ट देख लो, ये थोड़ा सा देख लो, उसके बाद तो जो भी नीचे लिखा है हिंदी में लिखा है वो इसका ट्रांसलेशन है। इसमें क्या लिखा है, एडवाइजरी एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19, कोरोना की वजह से कुछ एडवाइजरी जारी की गई है गवर्नमेंट के द्वारा जो आपको फॉलो करने हैं। क्या क्या फॉलो करने हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं। देखो प्रिपरेशन एट दी सेंटर, आप सेंटर पहुंचोगे, सेंटर पे क्या क्या किया जाएगा आपको, सबसे पहले तो आप घुसोगे तो आपको सैनिटाइजर दिया जाएगा, वो सैनिटाइजर आपको लगाना है, फिर आपको ग्लव्स वगैरह पहनना पड़ेगा जो आप लेके गए हो अपना, उसके बाद मास्क भी आपको पहन के ही अंदर जाना है। और जैसे आप अंदर जाओगे तो जब भी आप सिग्नेचर करोगे, जैसे मान लो आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ गए, उसके बाद क्या होगा, एग्जामिनर आएगा आपको एडमिट कार्ड में बोलेगा अपना साइन करो, बताया था ना एडमिट कार्ड में जो साइन करना है वो वहां सेंटर में साइन करना है, तो एडमिट कार्ड में साइन करोगे और अपना अटेंडेंस शीट में साइन करोगे, अटेंडेंस में भी साइन करना पड़ता है कि मैं प्रेजेंट हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, तो साइन करने से पहले भी सैनिटाइजर से ऐसा करना पड़ेगा और साइन करने के बाद भी सैनिटाइजर से अपना हाथ कराएंगे इन्विजिलेटर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सैनिटाइजर सैनिटाइजर का खेल होने वाला है आप लोगों के साथ। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली जो रूल्स गाइडलाइंस दी गई है उसके हिसाब से आप जैसे एक बेंच पे बैठे हो तो एक बेंच के बाद 2 सीट्स का गैप रहेगा, और उसके बाद फिर एक बच्चा बैठा होगा, फिर उसके बाद 2 सीट्स का गैप रहेगा, तो काफी अच्छा गैप रहेगा ताकि अगर किसी बच्चे को कोरोना भी है तो आपको ना हो जाए। तो ये भी एक अच्छा चीज है जो आपको फॉलो कराया जाएगा वहां पर। और जब आप घुसेंगे तो आपको वो थर्मोगन जो होता है ना, थर्मोगन से ऐसे आपको, अरे मतलब गोली नहीं मारेंगे आपको, आपको ऐसे करके चेक करेंगे आपका बॉडी का टेम्परेचर, अगर आपको फीवर हुआ तो आपको हो सकता है कि एग्जामिनेशन में मे बी अंदर ना घुसने दिया जाए, और अगर आपको फीवर नहीं है तो फिर आपको अंदर घुसने दिया जाएगा। तो ये कुछ चीजें इसमें थी। फिर आपको बोला जाएगा बार बार सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, यानी कि आप लोग मान लो कोई 2-4 दोस्त एक साथ एक ही सेंटर पे गए हो तो आप लोग एक साथ चिपक के बात नहीं कर सकते, यू हैव टू बी अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर गुट में ग्रुप में दिख गए बच्चे तो हो सकता है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, हालांकि आप बच्चे हो तो बड़े भी ऐसा रहता है कि तुरंत डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं, गलती हो गई बोल के माफ कर देते हैं, बट कोशिश करो कि गलती नहीं करना है, दूरी बढ़ा के रखो, है ना, 6 फुट का दूरी बना के रखना है। आगे चलते हैं प्री एग्जाम प्रिपरेशन। एग्जाम से पहले क्या क्या है देखो, कैंडिडेट टू चेक, क्या हो गया ये, लगता है बैटरी खत्म हो गई इसकी, कोई बात नहीं टिक करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा पेन है, पेन की बैटरी खत्म हो गई, डिजिटल पेन है तो डिजिटल पेन की तो बैटरियां चलती रहती है ना। देखो मैं इसमें समझा देता हूँ क्या बोल रहे हैं ये, प्री प्रिपरेशन में कुछ नहीं करना है आपको, एडमिट कार्ड जो है वो आपको रिप्रेजेंट कराना है, और एडमिट कार्ड जब दिखाओगे, एडमिट कार्ड के जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करते हुए वहां पर आगे बढ़ना है आपको। और जब भी आप किसी से मिलोगे वहां पर, किसी बच्चे से नहीं, किसी भी टीचर या इन्विजिलेटर से, और आपका कुछ भी आदान या प्रदान होता है, चाहे वो एडमिट कार्ड हो चाहे कुछ हो, आपको हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा हाथ पोछने के लिए। फिर चलते हैं आगे, एट द टाइम ऑफ एंट्री, एंट्री में आप घुसे जैसे ही एंटर करोगे, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा कहानी सुना ही दिया है, सारा चिट्ठा बता दिया आपको कि क्या क्या होने वाला है। आप जाओगे, आपको हैंड सैनिटाइजर से आपका हाथ दिया जाएगा, मास्क आपको पहनना है, चेक किया जाएगा आपका कि आपको चुका के छुपा वो आपके मोबाइल वोबाइल तो नहीं लेके जा रहे हो, ये सारी चेकिंग की जाएगी, और उसके बाद फिर आपको अलाउ कर दिया जाएगा जाने के लिए। मास्क लगा के रखना है, आप अपना बॉटल ले जा सकते हैं, एक ब्लैक या ब्लू पेन लेके जाना है जिससे आप एमआर भरेंगे। वहां पर पहुंचेंगे एंट्री करने के बाद, आपको रोल नंबर देखना है अपना, रोल नंबर में आपको क्लासरूम नंबर ढूंढना है, जैसे आपका रोल नंबर उसके बगल में क्लासरूम लिखा होगा, क्लासरूम पहुंचोगे, क्लासरूम में एक और लिस्ट होगा, उस लिस्ट में भी फिर आपका रोल नंबर है और आपकी सीट नंबर लिखी है, सीट पे बैठना है। सीट पे भी थोरली पूरा सैनिटाइज कर दिया गया है, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है कि हम करा दिए रहेंगे सैनिटाइज, ताकि बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है कोरोना वगैरह से। वहां जाके आप बैठोगे आराम से, वहां पर फिर आपका जो इन्विजिलेटर आएगा आपको एडमिट कार्ड आपका देखेगा, वो आपको सैनिटाइजर देगा, बोलेगा एडमिट कार्ड में अपना साइन करिए, फिर वो आपको वो देगा अटेंडेंस शीट, उसमें भी आपको साइन कराएगा, और फिर आपसे हैंड सैनिटाइजर से आपके हाथ धुलवाएगा, और आपको मास्क एनी टाइम तब तक पहन के रखना है, एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने से लेकर बाहर निकलने तक आपका मास्क होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को, अच्छा आपको मास्क भी वहां प्रोवाइड किया जाएगा, जो लोग अपना मास्क नहीं ले जा पाए भूल गए किसी वजह से, तो वहां पर मास्क देने की व्यवस्था की जाएगी, और आपको एक नया फ्रेश मास्क भी दिया जाएगा, जो मास्क आप अपने घर ले जा सकते हैं, रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपको रखना है तो रखो मास्क, नहीं रखना है तो कहीं पर फेंक मत देना। उन्होंने बोला है कि सेंटर से घर जाके डस्टबिन में फेंकना है, बाहर नहीं फेंकना है, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। और इसके बाद कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे नजर नहीं आ रहा है जो आप लोगों को बताना है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सारा चीज बता ही दिया है आपको। थर्मो गन के बारे में तो बता ही दिया कि आपका वो गन से चेक किया जाएगा कि आपको बुखार वगैरह तो नहीं है, बुखार होगा तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। एग्जामिनेशन के टाइम के भी मैंने सारी कहानी आपको बता दी कि क्या क्या होने वाला है। हाँ याद रखना आप लोग कैप, गॉगल्स, स्पेक्स नहीं बोल रहा हूँ ना, जिनको एक्चुअल में चश्मा लगा वो तो चश्मा पहन के जाएंगे, उनको तो दिखाई नहीं देगा। जो गॉगल्स होते हैं ना काले कलर के या स्टाइल वाले, वो नहीं पहन के जाने, कैप नहीं पहन के जाना है, नॉर्मल वाला कैप, चाहे ठंडी का कैप, कुछ नहीं पहन के जाना है, जैकेट नहीं पहन सकते आप, ज्यादा ठंड है तो आप इनर पहन के जाओ, है ना, और या फिर स्वेटर ऐसा पहनो जिसमें जेब वगैरह नहीं होना चाहिए, और फिर आप वहां पर जाइए, वहां पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम देने को मिलेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी डिटेल छूटा है मेरे से, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो गई है, नहीं हुई है तो अभी भी टाइम है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एडुमेंशन को, और एडुमेंशन चैनल पे आप जाइए और वहां पर जितने भी वीडियोस हैं, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस है, वो सारा आप एक बार देखिए, रिवाइज कर दिए, और हम लोग लाइव तो भी जाते ही रहते हैं, सौरभ सर भी मैराथन वगैरह लेते रहते हैं, मैं भी मैराथन लूंगा, तो वो सब में आप वीडियोस देखिए और कंप्लीटली अपना नॉलेज रिवाइज कराइए, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करिए, और डरना बिल्कुल नहीं है, एग्जाम में फोड़ के आना है। और याद रखना एग्जाम देने के बाद भी जर्नी एंड नहीं होगी,
एग्जाम देने के बाद, अगर बाई चांस मान लो इंटरव्यू होता है इस बार, तो एग्जाम कंप्लीट होने के बाद से ही हम इंटरव्यू का प्रिपरेशन मंडे से या एक दो दिन बाद से शुरू कर देंगे, ताकि हमसे ऐसा ना हो कि आपका सिलेक्शन हो गया रिटर्न में, पर अगर इंटरव्यू हुआ बाई चांस, वैसे तो कम चांस लग रहा है क्योंकि कोरोना में इंटरव्यू कैंसिल हो सकता है लास्ट बार की तरह, बट अगर होता है तो वो मिस नहीं होना चाहिए आपसे। तो अल्टीमेटली मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। जय हिंद।